अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोर की आलूदगी के असरात। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शोर की आलूदगी माहौलियाती आलूदगी की एक शक्ल है जो उस वक़्त होती है जब माहौल में शोर की सतह एक ख़ास हद से तजावज़ कर जाती है, यानी लिमिट क्रॉस कर जाती है, जिससे इंसानों और जानवरों को तकलीफ़, जिंचलाहट और यहाँ तक के नुकसान होता है। इस मज़मून में हम इंसानी सेहत, जंगली हयात और माहौलियात पर शोर की आलूदगी के असरात का जायज़ा लेंगे। सूती आलूदगी यानी कि शोर की आलूदगी या आवाज़ की आलूदगी का सबसे फौरी और वाज़ेह फ़र्क इंसानी सेहत पर इसका असर है। शोर की ऊंची सतह की नुमाइश सेहत के मसाइल का बायस बन सकती है, बशमूल समायत में कमी, तनाव और नींद में खलल। ऊंची आवाज़ में तवील अरसे तक नुमाइश कलबी मसाइल जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का बायस भी बन सकती है। सूती आलूदगी इंसानी सेहत पर असरात के अलावा जंगली हयात पर भी मनफी असरात मरतब कर सकती है। परिंदे, वहील और डॉल्फिन जैसे जानवर मुआसलात, सिमत शनासी और शिकार के लिए आवाज़ पर इन्हसार करते हैं। जब उनके माहौल में शोर की सतह बढ़ जाती है तो ये उनकी सुनने और बातचीत करने की सलाहियत में खलल डाल सकता है, जिससे उलझन, बदगुमानी और यहाँ तक कि मौत भी वाकया हो सकती है। मिसाल के तौर पर समंदरी ममालियाँ, ख़ास तौर पर बहरी जहाज़ों और तेल के रगों से होने वाली सूती आलूदगी के असरात का शिकार होते हैं, जो उनकी खुराक को तलाश करने की सलाहियत में मुदाखलत कर सकते हैं। सूती आलूदगी के माहौल पर भी मनफी असरात मरतब होते हैं। शोर की बुलंद सतह माहौलियाती निज़ाम के कुदरती तवाज़न में खलल डाल सकती है, जिससे जानवरों के रवैये और नकल मकानी के अंदाज़ में तब्दीलियां आती हैं। ये पौधों की मुंतकली में भी मुदाखलत कर सकती है, जिससे फसल की पैदावार पर मनफी असर पड़ सकता है। सूती आलूदगी के असरात से निपटने के लिए ज़रूरी है कि माहौल में शोर की सतह को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। इसमें शोर की रुकावटों के इस्तेमाल और साउंड प्रूफिंग के साथ साथ रिहायशी इलाकों में बुलंद आवाज़ वाली मशीनरी और गाड़ियों के इस्तेमाल को कंट्रोल करने जैसे इकदाम शामिल हो सकते हैं। मज़ीद बरा तालीम और आगाही की मुहिमात शोर की आलूदगी के नुकसानदह असरात के बारे में बेदारी पैदा करने और अफराद और कारोबारी इदारों को शोर की सतह को कम करने के लिए इकदामात करने की तरगीब देने में मदद कर सकती हैं। आखिर में शोर की आलूदगी माहौलियाती आलूदगी की एक शक्ल है जो इंसानी सेहत, जंगली हयात और माहौलियात पर मनफी असरात मरतब कर सकती है। माहौल में शोर की सतह को कम करने के लिए इकदामात करने से हम इंसानों और जानवरों की सेहत और बहबूद को यकसा तौर पर महफूज रखने और सब के लिए एक सेहतमंद, ज़्यादा पायदार मुस्तकबल को यकीनी बनाने में मदद कर सकते हैं।